ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आज सदर दफ्तर दारुस्सलाम में माह मुहर्रम में बेहतर इंतजाम के लिए एक इजलास महकमे बल्दी बरखी व आबरासानी के आला अहदेदारों व नीज मुख्तलिफ आशुखानजात के मुतवलियान के साथ मुनक्किद हुआ, जिसमें मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व हल्का असम्बली याकूतपुरा से MLA अहमद पाशा कादरी, हल्का असम्बली चैनमार के MLA मुमताज अहमद खान, हल्का असम्बली नामपल्ली के MLA जाफर हुसैन मेराज, मजलिसी अराकीन कानून साज काउंसिल मिर्जा रियाजुल हसन अफंदी अलमारूफ गोल्डी, मिर्जा रहमत अली बेग व नीज मजलिसी अराकीन बल्दिया सैयद सोहेल महमूद कादरी व अलमदार बालाजाही मौजूद थे। इस इजलास को तमाम मजलिसी MLAs और MLCs ने मुखातिब किया और हज़ब आदत कदीम इस साल भी माह मुहर्रम में बेहतर से बेहतर इंतजाम करने का तयक्कुन दिया। महकमे बल्दी बरखी आबरासानी के तमाम अहदेदारों को माह मुहर्रम से कबल ही तमाम इंतजाम मुकम्मल करने के लिए कहा गया। इस सिलसिले में मजलिसी जनरल सेक्रेटरी व MLA अहमद पाशा खादरी ने बर्क न्यूज़ से बात करते हुए इजलास के मुतालिक तमाम तफसीलात बताई। आज दारुस्सलाम में नसीब मिल्लत बैरिस्टर सऊदी नवी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की सरपरस्ती में मुहर्रम के खुसूसी इंतजाम की एक बहुत बड़ी मीटिंग मुनक़िद की गई, जिसमें मजलिस के MLAs मुमताज अहमद खान साहब, जाफर हुसैन मेराज, कौसर मोहिद्दीन, मिर्जा रहमत बेग, रियाजुल हसन अफंदी, ये सब शरीक रहे और इस सिलसिले में मीटिंग में वाकिफ कराया गया कि मुहर्रम से पहले ही हमारे कारपोरेटर सुदूर मुतमदीन खुसूसन रियाजुल हसन अफंदी, अलमदार बालाजाही, सोहेल कादरी, वासे साहब, ये लोग जहाँ जहाँ आशुरखाने हैं वहाँ के एस्टिमेटा बनाएं और दो महीने पहले से कार्रवाई चल रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज 8 करोड़ रुपए इसके मंजूर हुए हैं नकीब मिलत की नुमाइंदगी पर, और अब टेंडर होना का बाकी है, अभी टेंडर भी हो जाएंगे। बल्दी बरखी आबरासानी के अहदेदार शरीक रहे, उनको पाबंद किया गया कि मुहर्रम के इंतजाम में किसी किस्म की कोई शिकायत उसूल ना हो, अजादारों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो, इसके लिए वसी पैमाने पर इंतजाम करें। वक्तन फ़वक्तन एरिया कारपोरेटर और MLAs लेटर दे के भी मुकाम की निशानदेही करके इंतजाम की हिदायत देंगे। एक जाम प्रोग्राम अफंदी साहब दाखिल करें जिसमें हाथी के इंतजाम का भी मसला उसमें शामिल है। हमेशा की तरह अभी भी नकीब मिलत की नुमाइंदगी पर हाथी का बंदोबस्त किया जा रहा है, वो भी इंशाल्लाह वक्त मुकर्रा पर आएगा और तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। फिलवक्त जो मसला दरपेश है, साउथ जोन में बर्फी का इंतजाम इंतहाई नाफिज है, रोज़ाना 4-4 घंटे लाइट बनी थी। हम परसों गवर्नमेंट की मीटिंग में भी तवज्जो दिलाई कि इस पर तवज्जो करना चाहिए, उसके ट्रांसफार्मर की रिपेयरिंग करना चाहिए, अगर ट्रांसफार्मर कम है तो बड़े ट्रांसफार्मर डालना चाहिए ताकि पब्लिक को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। कम अज़ कम ये मुहर्रम के दिनों में शिकायत ना वसूल हो, इस तरीके पर ऐसा इंतज़ाम किया जाए। हमेशा की तरह कंट्रोल रूम सरदार महल में कायम किया जाता है, तमाम महकमे के एक ऑफिसर उसमें रहता है, रोज़मर्रा ज़रूरत के लिए जो लोगों को कंप्लेन होती है, शिकायत होती है, वहाँ करते हैं, फौरन इस पर अमल भी होता है। ये कंट्रोल रूम सरदार महल के पास हर साल कायम किया जाता है। आज से कई बरस पहले सालार मिला सुल्तान सलाहुद्दीन साहब की नुमाइंदगी पर यह कंट्रोल रूम कायम किया गया था, बल्कि यह ज़रूरी समझता हूँ कि सबसे पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज से 40 साल पहले मुहर्रम के इंतजाम की मीटिंग सालार मिल्लत की हिदायत पर मुनक़िद होती थी। जब गवर्नमेंट में मीटिंग नहीं होती थी हम जमात की तरफ से हम करते थे, आज भी हमारा सिलसिला जारी है। गवर्नमेंट का हमारा मकसद यही है कि आज़ादारी के लिए लोगों को किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो, उनके तमाम मसाइल की एक सुई हो। बल्दी बरखी आबरासानी के तमाम महकमे जात में नुमाइंदगी की गई, इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। मुझे तवक्को है कि आज की मीटिंग से पूरे ऑफिसर जो नोट कर लिए हैं और कुछ लोगों की तहरीरी नुमाइंदगी मिली वो भी हम दाखिल करें, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द वो काम की तकमील हो और लोगों को सहूलत मिले। शुक्रिया। मजलिसी रुकने कानून साज काउंसिल ने बरखनू से बात करते हुए कहा कि बारिश के पेश नज़र जिस तरह गुज़श्ता साल अलावे बीब में शेड डाला गया था, इसी तरह इस साल अलावे सरतख मुबारक में भी शेड का इंतजाम किया जाएगा और बिलखसूस बरखी की मुसलसल सरबराही के लिए बेहतर से बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। आज नकीब मिलत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मोहतरम और रुकने पार्लियामेंट की हिदायत पर मुहर्रम के इंतजाम के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर दफ्तर दारुस्सलाम में
आज एक इजलास मुनक़िद किया गया जिनमें तमाम बल्दी बरखी आबरसानी के तमाम अहदेदारान व तमाम आशुखान जात के ज़िम्मेदारान व तमाम मजलिस इत्तेहादुल्मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली अराकीन क़ानून साज़ कौंसिल व अराकीन बल्दिया मौजूद रहे और इस इजलास में जो नुमाइंदगियों पर जिन कामों का सेंशन हुआ उसके ऊपर एक तफसीली बातचीत रही और इन कामों का जल्द से जल्द आगाज़ करने का भी जो है एक फ़ैसला लिया गया। और ये इजलास में जो जो लोगों ने शिरकत किया मैं मेरी जानिब से मेरी जमात कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल्मुस्लिमीन की जानिब से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रिया खुदा। और मुतवल्ली हजरात की जानिब से भी दरख्वास्त मौसूल हुई जिन कामों को हमने पहले ही नोट कर लिया था और जो काम हमारे नॉलेज में नहीं आया था उन कामों को आज मुतवल्ली हजरात ने जो है तहरीरी तौर पर जो है रिप्रेजेंटेशन दिए हैं, हम उसको रिसीव किए हैं। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हमारे एमएलए हजरात ने इन रिप्रेजेंटेशनों के ऊपर अपनी नुमाइंदगी की है तो इंशाल्लाह इन कामों को भी जो है इंक्लूड किया जाएगा, शुक्रिया। हाँ, अलाया बीबी के अंदर जैसा कि लास्ट ईयर बारिश को देखते हुए लास्ट ईयर जो है मजलिस इत्तेहादुल्मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर अलाया बीबी में शेड लगाया गया था, इस बार अलाया बीबी के अलावा अलावे सरतौख मुबारक में भी शेड का जो है इंतज़ाम करने के लिए जो है नुमाइंदगी की गई। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी सेंशन हो चुका है, इंशाल्लाह इसको भी जल्द से जल्द आगाज़ करेंगे। और बादशाह अशुर खाने के लिए भी एक नुमाइंदगी आई है, वो भी इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे। बरकी के सिलसिले में हमने यहाँ पर पूरे इंस्ट्रक्शन दिए हैं और इस ज़मन में जो है इंशाल्लाह आज या फिर कल इंशाल्लाह ताला जो है SC के साथ एक तफसीली दौरा होगा जो अलाया बीबी से लेकर पूरे पॉइंट्स के ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह ताला और वहाँ पर ऑन फील्ड भी जो है इनको बताया जाएगा।